महाराज, शुद्धोधन जैसा राजा पिता, शासन करने के लिए कपिल वस्तु जैसा सुंदर व विशाल राज्य, यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी, प्यारा बालक, सम्राट बनने की राह को छोड़कर व सभी सुख समृद्धि व वैभव को छोड़कर चले गए थे गौतम बुद्ध महात्मा बनने, एक संत बनने, क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। वे विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों में से एक हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा उनकी माता महामाया का देहांत सिद्धार्थ के जन्म के सातवें दिन ही हो गया था। बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील व दयावान प्रवृत्ति के होने के कारण उनके लिए सब चिंतित रहते थे। उनके जन्म के समय एक ज्योतिष ने कह दिया था कि यह बालक आगे चलकर पराक्रमी सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। ज्योतिष की इस बात को सुनकर कि कहीं उनका बेटा आगे चलकर एक महान संत बनने की राह पर ना निकल पड़े और तमाम सुख समृद्धि व वैभव को छोड़कर ना चला जाए, उनके पिता सुधोधन ने निर्णय किया कि वह राजकुमार को दुख, शोक, चिंता इनका कभी आभास ही नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को अपने महल से बाहर कभी जाने ही नहीं दिया। एक दिन जब युवा सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई तो पिता मना ना कर पाए, किंतु साथ ही ये भी इंतजाम कर दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का दुख या शोक ना दिखाई पड़े। बस उसी दिन, जिस दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। थोड़ा आगे जाने पर उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया तथा तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी दिखाई दी और फिर तुरंत उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। इन सभी बातों व घटनाओं के बारे में सिद्धार्थ ने ना ही कभी सुना था और ना ही कभी जाना था। उन्होंने ऐसा दृश्य जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और ऐसे दृश्य उन्हें बहुत प्रभावित कर दिए। राजा शुद्धोधन ने पुत्र को व्याकुल देखकर उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही करवा दिया। सभी दृश्य जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे उससे उनका जीवन ही बदल गया। रात के एक पहर सत्य की खोज में महल से चले गए। संसार को जीवन, मृत्यु, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में वो जंगल में रहने लगे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात 7 दिन व 7 रात समाधि स्थित रहने के उपरांत 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा को बोध गया में एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा के बैठे सिद्धार्थ ने परम को जाना। महज 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उन्हें भगवान नारायण का 9वां अवतार माना जाता है। उनका ब्रेन 100% एक्टिव था। उन्हें अपने सभी पूर्व जन्मों का बोध होता चला गया था और उन्होंने अपने ज्ञान से माया को हरा दिया था। बुद्ध मानते थे कि संसारी सुखों से दूर भाग कर और स्वयं को कष्ट देकर परम नहीं मिल सकता। इंसान को अपने मन पर इतना काबू होना चाहिए कि वो संसार के बीच रहकर भी उससे अछूता रह सके। उनके विचारों से हर धर्म व संप्रदाय के लोग जुड़ते चले गए। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन 3 भागों के अंतर्गत है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। आइए अब जरा गौतम बुद्ध के सिद्धांत और उनकी कही कुछ बातों को जानते हैं। किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, दुराचार ना करना, झूठ ना बोलना, दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोष ना निकालना, अपवित्र भाषण ना करना, लालच ना करना, किसी से घृणा ना करना, अज्ञान से बचना। दोस्तों, आज पूरे विश्व में करीब 180 करोड़ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और यह बौद्ध जनसंख्या विश्व की आबादी का 25% हिस्सा है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं।